नरकटियागंज मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री बॉयलर ब्लास्ट में मरे हुए लोगों को बिहार सरकार आपदा विभाग की तरफ से 4-4 लाख रुपए का अनुदान राशि दिया गया। नरकटियागंज अंचल कार्यालय में मृतक के परिजनों को अंचलाधिकारी राहुल कुमार के अपने हाथों से 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान नरकटियागंज विधायिका रेशमी वर्मा और प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार उपस्थित रहे। मृतकों में केसरिया पंचायत के रखई धोभा टोला के प्रकाश राय 35 वर्षीय व भेड़िहारी टोला के म्यान सहनी 48 वर्षीय शामिल हैं। सभी लोग स्नैक्स फैक्ट्री के बगल में अवस्थित एक चूड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। रविवार को मुजफ्फरपुर में स्नैक्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने के बाद सभी लोग उसकी चपेट में आ गए। इनमें से प्रकाश राय व म्यान चौधरी की मौत चूड़ा मिल में ही काम करने के दौरान हो गई। अंचलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने से हुए दुर्घटना में नरकटियागंज अंचल अंतर्गत 2 व्यक्ति की हताहत हुई है। उन दोनों के आश्रित सुभावती देवी और रीना देवी को आपदा अनुग्रह के तहत 4-4 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है। हरसरी पुरैनिया रखई चंपापुर और नौतनवा में निर्विरोध चुने गए उप मुखिया व उप सरपंच। नरकटियागंज प्रखंड के चार्ज सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह के चौथे दिन 5 पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह एवं उप मुखिया व उप सरपंच चुनाव कराया गया। इस दौरान हरसरी पुरैनिया पंचायत से किताबुद्दीन मियाँ उप मुखिया के पद के लिए जबकि उप सरपंच के लिए उर्मिला देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई। भसुरारी पंचायत से मतदान के माध्यम से उप मुखिया कुमार सिद्धार्थ उप सरपंच के लिए लालमती देवी निर्वाचित हुई। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण के साथ मद निषेध पर भी शपथ दिलाया गया है।